प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब गुरबे की योजनाओं को वारों में 9, 10, 11 तीन दिन बिहार प्रदेश के वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको जाकर के प्रवास पर रहना है। ये यही आज तय हुआ। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वह बैठक खत्म हो चुका है और बात करने की भी कोशिश करते हैं जो मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। क्या बात हुई सर? आपको धन्यवाद, हमने ब्रीफ किया अभी अभी जा करके, जितना बात को रखना था हमने रख दिया। क्या बात हुई सर? लगातार बातें हमने वहाँ बताया है। देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब गुरबे की योजनाओं को वारों में 9, 10, 11 तीन दिन बिहार प्रदेश के वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको जाकर के प्रवास पर रहना है। ये यही आज तय हुआ। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि तमाम जो नेताओं की बैठक चल रही थी, बैठक से सभी नेता जो है वह बाहर निकले हैं और बाहर निकल करके जो एक फॉर्मेलिटी होता है बस वही वो करते हैं। क्या बात हुई थी सर? हमको नहीं पता है, हम पीछे गए थे, हमको कुछ पता, हमको कोई पता नहीं। लगातार कई बैठकें बीजेपी में चल रही है, एमपी चुनाव की बात हो रही थी, 2024 के लोकसभा चुनाव। हाँ, एमपी चुनाव, बीजेपी ने डिसीजन लिया है क्या? गांव की ओर चलो, भारतीय भाजपा चलेगी गांव की ओर। और क्या लगता है 40 सीट जो है लोकसभा का क्या रणनीति बन रही है आगे? वो 40 सीट जीतने के लिए ही आज बैठक थी, उसमें कोई नई बात नहीं हुई, यही बात हुई। लेकिन एक सवाल अभी है कि राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के भी कुछ ऐसे? नहीं, वो सब पार्टी निश्चित तौर पे तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। सभी नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि इस बैठक में जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव पर जो है वह बातें हुई हैं, लेकिन कई अंदरूनी बातें जो है वह इस बैठक में हुई है। भले ही लोग ना बोल रहे हो, ये नेताओं की मजबूरी है क्योंकि साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि अभी कुछ भी बातें जो है अंदर खाने की बाहर में नहीं बतानी है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है बीजेपी की पैनी नज़र है। वर्तमान जो अभी स्थिति राजनीति की बन रही है तो उन विषयों पर जो है वह चर्चा हो रही है। लगातार बीजेपी के अंदर खाने में जो है खिचड़ी भी पक रही थी। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार बातें आप लोगों की भी चल रही है, बैठकें हो रही है, सब बता दिए भीम सिंह जी और जनक राम जी, वो बता दिए। लेकिन लग रहा है कि चुनाव है, चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है बीजेपी में निश्चित तौर पे। तो देखिए कोई भी नेता जो है वह बोल नहीं रहे हैं। और अगर ये तस्वीर आप अगर देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, तो साफ तौर पर से आपको ऐसा अंदाजा लग जाएगा कि कुछ न कुछ गतिविधियों पर जो राजनीतिक गतिविधि है उसी पर चर्चाएं चल रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा था अब वो कन्फर्म हो चुका है, उनका महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है। राजद के भी अब नेता जो है खुलकर नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, कोई किसी से तुलना कर रहा है, कुछ कुछ से तुलना नीतीश कुमार का करने में लगा हुआ है। इसी बीच बीजेपी और अब जदयू के अंदर खाने के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, सभी नेताओं पर जो है कहीं ना कहीं आला कमान का आदेश है कि नहीं बोलना है, मुँह पर एकदम एक फेबी की तरह चिपका लेना है, किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। लेकिन मीडिया के ऐसे नेता लोग कहाँ बच करके जाएंगे, जो भी अपडेट होगी वह हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।